أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मियाँ बलीग रहमान साहब, चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, काजिम पीरज़ादा साहब, मलिक इकबाल चन्नर साहब, सऊद मजीद साहब, डॉक्टर खालिद साहब, खारिज जजा साहब, मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब, परवीन भट्टी साहिबा, हसीना बीबी, अदनान फरीद साहब, मेरे नौजवानों, ख्वाजा फरीद की धरती के शेरों, अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरी बहन मरियम नवाज साहिबा आज यौमे तकबीर के मौका पर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और बहावलपुर के बुजुर्गों, नौजवानों, जब मैं बहावलपुर एयरपोर्ट पे उतरा तो गर्मी इतनी शिद्दत की थी कि नाकाबले बयान, लेकिन आपके पास आया हूं तो मुझे कहना पड़ता है कि आज बहावलपुर के शेरों ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मोहब्बत में 45 डिग्री की गर्मी को शिकस्त देकर साबित किया है कि वो सच्चे मुस्लिम लीग नून के सिपाही हैं। नौजवानों, मैं चंद दिन पहले आपके पास आया था और यहां पर नौजवानों ने मुझे बार बार कहा कि स्पीडो बस जो है वो हमसे छीन ली गई है, 4 साल हम स्पीडो बस से महरूम रहे। आज नौजवानों, मुझे खुशी है कि दोबारा मैं यहां पर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं तो 8,000 लोग रोज उस स्पीडो बस पर सफर कर रहे हैं, आपको मुबारक हो। संग अपने तरक्की खुशहाली के कदम किसी रुकावट से नहीं रुकने, में अभी मैं जब जलसा गांव में आ रहा था तो नौजवानों, अभी 12 स्पीडो बस आई हैं। आज आपने मुझे और मेरी बहन मरियम को इतना प्यार दिया है, अब 12 नहीं, अब 24 होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एक तरफ चोलिस्तान में हमारे बुजुर्गों, नौजवानों को पानी की दुश्वारी हुई, जानवर लोगों के मर गए पानी ना होने की वजह से, और मैंने कोई एहसान नहीं किया, मुझे पता लगा मैंने अपने सियासी जो रुफका हैं उनको कहा जाइए चोलिस्तान में जाकर बैठिए, वहां पर 112 गई, पानी के बाउजर गए, और मैंने खुर्शीद शाह साहब जो
वफाकी वजीरे आप पाशी उनको कहा कि बहावलपुर में चोलिस्तान में लोगों के पास पानी नहीं, शाह साहब पंजाब का हिस्सा दीजिए। उन्होंने मेहरबानी की और जब मुझे पता लगा कि चोलिस्तान के लोगों को पानी मिला वो खुश हैं, मैंने कहा चोलिस्तान के लोगों को खुश करने के लिए मैंने अल्लाह को राजी करने के लिए काम किया था। नौजवानों, बुजुर्गों, बहावलपुर के गयूर भाइयों बहनों, मैं आपको ये बता दूं कि मुझे नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने यही सिखाया कि हमजा शहबाज जो बात करना उस पे पहरा देना, जो वादा करना सोच समझ के करना और वादे को सच्चे करने के लिए कोशिश करना। आज मैं इस पंडाल में खड़े नौजवानों को, बुजुर्गों को कहना चाहता हूं कि मुझे बहावलपुर से, बहावलपुर के नौजवानों से, बुजुर्गों से प्यार है। मैं आपको खुश करूंगा, आपको खुश करकर मुझे सियासी मकसद नहीं चाहिए, आपको खुश करकर मैं अल्लाह को राजी करूंगा, इसलिए दिन रात आपकी खिदमत करूंगा। ओ मियां खूब पंजाब सजाया, सड़का दा जाल बछाया, मियां सब दा दर्द बनाया। और देखिए आज पाकिस्तान के लोगों ने देख लिया कि ये जिस हकीकी आजादी मार्च के लिए निकला था, सुनो मेरे नौजवानों ये बात गौर से सुनो, मैंने शहीद अकमल के बेटे को जब गले लगाया, बाप की मैयत सामने पड़ी थी और वो 12 साल का बच्चा, उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और वो बाप की मैयत को देख रहा था। मैंने उसको हौसला दिया, मैंने कहा बेटा तुम हौसला रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह तुम्हारे साथ है। लेकिन आज कोई इमरान नियाजी से पूछे कि उस बच्चे को अभी एहसास नहीं कि एक पहाड़ जैसी जिंदगी उसके सामने है, हर कदम पर, हर मोड़ पर यतीमी उसको अपने बाप के साये से महरूमी का एहसास दिलाएगी। जब वो अच्छे नंबर लेगा तो बाप का हाथ उसके सर पर शाबाश, उसको मुबारकबाद देने के लिए नहीं होगा। जब वो ईद पर कपड़े का तकाजा करेगा तो बाप का दस्ते शफकत उसके पास नहीं होगा। बहावलपुर के नौजवानों, सियालकोट में मोहम्मद जावेद कांस्टेबल उसके बच्चों को, उसकी बच्ची को मिलने में गया, उन्होंने कहा कि, उस बेटी ने कहा कि हमजा अंकल आज मेरा सब कुछ चला गया। तो उस बेटी के जब हाथ पीले होंगे तो उसको घर से रुखसत करने के लिए बाप का दस्ते शफकत नहीं होगा। इमरान नियाजी तुमने इंतशार फैलाया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको जगह दो वहां पर अपना जो है ग्राउंड में, तुमने चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का प्रोटोकॉल, गार्ड, बुलडोजर, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। और मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानी आवाम को कि मैं एक एक पल राब्ते में था और मेरा एक ही मकसद था कि ये शख्स जो पहले 126 दिन का धरना देकर कौम से मजाक कर चुका, इसने उस वक्त भी रेड जोन में गुलेले, डंडे,
कुल्हाड़ों बुलडोजरों के साथ रेड जोन में दाखिल हुआ था, कौम अभी भूली नहीं। मेरा खदशा था कि ये आज भी इंतजार फैलाएगा, वही हुआ कि जगह जगह पर इसने केपी पुलिस और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर के साथ एरियल फायरिंग की और पुलिस के आरपीओ डीपीओ वहां पर खड़े थे। और फिर आपने देखा, कौम ने देखा कि ग्रीन बेल्ट पर दरख्तों में आग लगी हुई थी, तोड़फोड़ की, रेंजर्स को जख्मी किया, पुलिस वालों को जख्मी किया। और वो कहते हैं बहावलपुर के नौजवानों, खोदा पहाड़ निकला चूहा। वो 25 लाख लोग तो नहीं आए, सुबह 8:30 बजे काली एनके लगाकर इमरान नियाजी कहता है कि मुझे अपना जो है बैठना था। उसने तो उस वक्त तक बैठना था जब तक हुकूमत ने इलेक्शन की डेट नहीं देनी, ये वहां पर एक दिन भी नहीं रुक सका। ये एक बुजदिल आदमी है। और आपने सुना, देखो हमारा दीन हमारा सब कुछ है और अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। जिस तरह इसने रियासत मदीना का नारा लगाकर गरीबों का झोंपड़ा गिराया, अपने बनी गाला के नजायज तजावजात को जायज किया, इन नौजवानों के साथ दगा किया 1 करोड़ नौकरियां देने का, लाखों को बेरोजगार कर दिया, 50 लाख घरों का झूठा वादा किया, लोगों को बेघर कर दिया, रियासत मदीना का नारा लगाकर अवाम को महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में रोल दिया, पीस दिया। तो आपने उस दिन सुना, नौजवानों सुना आपने के वो जो डिप्टी स्पीकर जिसने आईन और कानून की पामाली की इमरान नियाजी के कहने पर, वो कान में कहता है खान साहब जरा इस्लामी टच दो, ये है इसका असल चेहरा। और आज मैं बहावलपुर की गयूर अवाम के पंडाल में इमरान नियाजी तुम्हें कहना चाहता हूं कि तुमने अवाम को झूठ दगा करप्शन का टच दिया, तुमने अवाम को सब्ज बाग का टच दिया और अब खाली कुर्सियों से खाली सड़कों से इस्लामाबाद में सुबह 8:30 बजे खिताब किया, अब कहता है 6 दिन बाद दोबारा आ रहा हूं। कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई बावल के नौजवानों, इसने जितने टच देने थे दे दिए, इसने लोगों का 2 महीने से सुकून बर्बाद किया। इमरान नियाजी तुमने जितने टच देने थे दे दिए, मेरी बात सुन लो, अगर 6 दिनों बाद तुमने दोबारा इंतजार फैलाने की जुरत की तो कहानी में एक टच बाकी रह गया है, वो जेल का टच है, तुम्हें जेल में फेंकेंगे। मैं जब टीवी लगाया बहावलपुर में तो एक और कहानी चल रही थी। देखो अल्लाह ताला जो है ना, वो किसी रूह को उस वक्त तक अपने पास नहीं बुलाता जब तक उसका अंदर बेनकाब नहीं कर देता। आज वो जो वीडियो ऑडियो लीक हुई है उसने साजिश का भांडा ही फोड़ दिया है। ये कहता था कि इंटरनेशनल साजिश हो रही है। ओ भाई, उन लोगों को जिनको तुम गालियां निकालते थे, जिनको तुम बुरा भला कहते थे, आज उन्हीं से तुम अपनी हुकूमत बचाने की भीख मांग रहे थे, तो ये इंसान झूठा है, फरेबी है, ढोंगी है
और उसका नतीजा निकला कि 25 लाख लोग नहीं आए, लेकिन जब ये इस्लामाबाद की सड़कों पर घूम रहा था ठीक 24,90,000 लोग कम थे इसके साथ। तो मेरे बहावलपुर के नौजवानों, हम भी भीख मांगते हैं, लेकिन हम भीख किसी इंसान से नहीं, अल्लाह की जात से भीख मांगते हैं, वो भी पाकिस्तान को कायद आजम का खुशहाल पाकिस्तान बनाने के लिए भीख मांगते हैं। वही हौसले वही जज्बे हैं आज यहां पर भावलपुर में और साउथ पंजाब के सूबे का ढोंग रचाने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि तुमने सूबा तो क्या बनाना था, आज इन लोगों को तुमने इनके हक से महरूम कर दिया। सड़कें टूटी हैं, अस्पताल में दवाई नहीं मिलती, किसानों को यूरिया और खाद की बोरी नहीं मिलती। तो मैं बड़े बड़े दावे नहीं करता, लेकिन जिस तरह बहावलपुर हासिलपुर रोड बनी, ख्वाजा फरीद आईटी यूनिवर्सिटी बनी और 410 बिस्तरों का विक्टोरिया भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल बना, तो मैं आपको बहावलपुर के नौजवानों ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला नियत नेक हो तो मदद करता है। आज अल्लाह के फजल व करम से जो आटा 10 किलो का थैला जो 650 का मिल रहा था, अल्लाह के फजल व करम से आपकी दुआओं से उसको 490 का करके 160 रुपए सस्ता किया आटे को, और 200 अरब की सब्सिडी दी। तो इन लोगों ने जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, नवाज शरीफ से प्यार करते हैं, शहबाज शरीफ से प्यार करते हैं, इनके भी ख्वाब हैं। इनके माँ बाप ने अपना पेट काट कर इनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब ये घरों में लौटते हैं बेरोजगार हैं तो माँ बाप के कलेजे पर खंजर चलते हैं। तो नौजवानों, अभी शुरुआत है, आटा सस्ता किया है, आपकी दुआओं से अल्लाह की मदद से चंद दिनों में मैं आपको घी और चीनी सस्ते होने की भी खुशखबरी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। आपको आपको किसी बात को याद दिलाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ ने आपके प्यार को महसूस किया, आपके खलूस को दिल से लगाया और फैसला किया कि बहावलपुर ने बड़ी कुर्बानियां दी। जब आपने लॉन्ग मार्च में जब जलसे हो रहे थे पीडीएम के, उस वक्त मेरी बहन को बहुत प्यार दिया, तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का फैसला है अगर गवर्नर होगा तो बहावलपुर से होगा इंशाल्लाह। रुकावट से सुनो, ये कहता था मैं खुदकुशी कर लूंगा, आईएमएफ से कर्जे नहीं लूंगा। एक तरफ अवाम ने देखा कि इसने खुदकुशी नहीं की और करे भी ना, ये खुदकुशी करेगा तो
कहेगा जी इल्जाम नून लीग पे कहेगा कि इनकी वजह से मैंने खुदकुशी की है, तुम खुदकुशी ना करना, हम तुम्हें मजबूर करेंगे, तुम सियासी खुदकुशी करोगे इंशाल्लाह। और एक तरफ भीख मांगने वाला इमरान नियाजी, वो जावेद मियांदाद है ना, वो जो क्रिकेटर है याद है आपको, उसने एक दिन इंटरव्यू दे रहा था, उसने कहा इसको और कुछ नहीं आता, एक काम अच्छा आता है कि भीख अच्छी मांग लेता है ये। आज भी वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई उसमें भी अपनी हुकूमत की भीख मांग रहा था। आपको मैं याद करा दूं, देखो कौमों की जिंदगी में ऐसे मौके कम आते हैं, जब हिंदुस्तान ने 5 धमाके किए तो उस वक्त के अमरीकी सदर ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि हम आपको अरबों डॉलर देते हैं, आप एटमी धमाके ना करें। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं कौम का बेटा हूं, इज्जत की खातिर जान भी दूंगा, अरबों डॉलर अपने पास रखिए, हिंदुस्तान 5 धमाके करेगा, उसका जवाब पाकिस्तान 6 एटमी धमाके करके देगा। देखो भाइयों बुजुर्गों, आप मेरे अपने हैं, आपसे मुझे दिली मोहब्बत है, तो जब दिली मोहब्बत हो तो दिल की बातें करनी चाहिए, दिल की बातें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सोचा, बहुत वक्त लिया, बड़े सोच समझकर फैसले करने हैं पाकिस्तान के, जब ये पेट्रोल महंगा करना पड़ा तो दिल को बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन कभी कभार जब बीमारी हद से बढ़ जाए तो फिर इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है ताकि जिस्म दोबारा से तंदुरुस्त हो। नौजवानों बुजुर्गों भाइयों, ये कड़वी गोली जरूर है, लेकिन इंशाल्लाह आपके दुखों में कांधे से कांधा मिलाएंगे, आपको इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरह इस के कोठों में भावलपुर के सोलर पार्क लगाया नवाज शरीफ की क्यादत में, मुल्क से अंधेरे दूर करने के लिए 12,000 मेगावाट के कारखाने लगाए, इस मुल्क को अल्लाह के फजल करम से एटमी कुवत बनाया, इंशाल्लाह इमरान नियाजी ने जो मईशत का बड़ा गर्क किया है, अल्लाह की मदद से दोबारा शेरों की तरह आगे बढ़ेंगे और कायद आजम का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। सुन लो इमरान नियाजी, अगर आजाद पाकिस्तान तुम्हारे नजदीक इस चीज का नाम है कि फरागोगी आजादी से लूटमार करे और तुम उसके तर्जुमान बन जाओ, अगर आजाद हकीकी मार्च का मकसद ये है कि तुम शरीफ लोगों की पगड़ियां उछालो और गालियां निकालो, अगर आजाद मार्च का मकसद यह है कि तुम्हारे तोशा खाने के डाके का सवाल कोई ना पूछे, तुम्हारी फॉरेन फंडिंग केस में जो तुमने माल पानी बनाया तुमसे कोई ना पूछे, तो ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हारी अना अगर खुदा ना कास्ता आईने पाकिस्तान से बड़ी है तो तुम्हारी अना को गिरेबान से खींच कर इस मिट्टी में दफन कर देंगे। जाना है अल्लाह के फजल करम से चलते जाना है, पाकिस्तान है एक कौम दुनिया को बताना है। तुमने बड़ी कोशिश की के हमजा शहबाज की काबीना ना बन सके, तुमने बड़ी कोशिश की के मुस्लिम लीग नून का गवर्नर ना आ सके, 2 महीने आईनी बहरान पंजाब का पीछा कर रहा है,
तुम तमाशा करते रहो और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हुक्म पर हमजा शहबाज अल्लाह का नाम लेकर रोज मैदान में निकलेगा और आवाम के दुखों का मुदावा करेगा इंशाल्लाह। आपका प्यार, आपका जज्बा, आपकी मोहब्बत, आपकी वफा एक तरफ, सुनो सुनो, एक तरफ सोने का अंबार हो और एक तरफ बहावलपुर के नौजवानों और बुजुर्गों का, माओ बहनों का प्यार हो, तो खुदा की कसम सोना नीचे है, आपका प्यार ऊपर है। वही हौसले, वही जज्बे। और दोबारा जल्दी मुलाकात होगी, आपका शुक्रिया। मैं नारा लगाऊंगा, नारे का जवाब देना है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान। ये थे कायदे। मैं तमाम भावलपुर के बब्बर शेरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप गर्मी की इस शिद्दत में अपने कायदीन का खिताब सुनने आए। मैं बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और सिक्योरिटी इदारे के जो हमारे साथी हैं, इदारों का शुक्रिया अदा करता हूं और बिलखसूस पंजाब पुलिस को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दिया। मैं मियां बलीगो रहमान साहब की तरफ से, राणा तारिक साहब की तरफ से, मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नर साहब की तरफ से